हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मिथिला और मैं हूं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे राकेश टिकैत जी है, रोड पे मिट्टी गिरी हुई है जहां पुलिस की बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के पास मिट्टी ये गवर्नमेंट ने गिराई है या फिर किसान यूनियन ने गिराया ये पता नहीं चल पाया अभी किसने गिराया, लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी गिरी हुई है यहाँ पे राकेश टिकैत जी खेती करने जा रहे हैं और अभी ये हल चला रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राकेश टिकैत जी खुद अपने हाथों से यहाँ हल चला रहे हैं और इन्होंने बताया भी है कि मैं यहाँ पे खेती करूँगा। आप देख सकते हैं किसान होकर के किसान क्या कर सकता है, जिसका जो काम है वो वही करेगा और किसान का काम है खेती करना। उनको जगह जगह मिली, थोड़ी सी जगह मिल गई, रोड के किनारे पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है, उस बैरिकेटिंग के पास मिट्टी गिरा हुआ जिस पर राकेश टिकैत जी अपना हल ला करके और जोतने लगे जमीन मिट्टी को। अब यहाँ पे जवार या तो मक्का बोया जाएगा, 3-4 महीने 6 महीने की फसल, और जब तक ये किसान आंदोलन चलता है तब तक यहाँ पे ये अनाज उपज जाएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें भी आ रही है, राकेश टिकैत जी मिट्टी को जोत रहे हैं और हमारे रिपोर्टर जो कुछ रिपोर्टर साथी हमारे वो जगह को फिर से वापस दबा। संदेश ये है प्यारे टिकैत जी हमारे बीच में है, इस हल से ही हल निकलेगा, संदेश है पूरे भारतवासियों को। वंडरफुल मैसेज फ्रॉम राकेश टिकैत जी से, इस हल से ही हल निकलेगा और यही हल है हमारा। आप देख सकते हैं ये रोड की जगह है और बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। ये जो नज़ारा है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी हाईवे के ऊपर मिट्टी गिरा करके और खेती की जाए बैरिकेटिंग के साथ। शायद ये दिन फिर कभी नहीं देखने को मिले। ये हालात तब पैदा हुए जब सरकार किसानों के लिए एक फार्मर बिल लेकर के आई और ये बिल किसानों को पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते ये बिल हमें पे लागू किया जाए। इसमें किसानों को लगता है कि इसमें हमारा लॉस है, हमारा घाटा है, जबकि गवर्नमेंट ये बताती है कि इसमें आपका फ़ायदा है। ये तो गवर्नमेंट और किसान के बीच की बात है, दोनों में क्या तय होता है ये आगे देखेंगे। सर, आप यहाँ हल चला रहे हो, ये मतलब सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो? इसे हम तो नहीं दे रहे, तो मैसेज सरकार मतलब हल क्यों चला रहे हो? इसमें जो बोगे जो बोगे, ये कटोरू यहीं रहता है ना इसे खाने के लिए, तो इसका मतलब आप यहीं पे खेती बाड़ी यहीं पे करोगे? सर, यहीं पे खेती बाड़ी शुरू कर रहे हैं आप? सरकार को ये मिल रही है संदेश, टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि यहीं पे उगाएंगे। आप देख सकते हो हमारे साथ देख किसान नेता राकेश टिकैत जी, ये है बैल मतलब भैंसा है ये, और ये यहाँ पर हल चलाते हुए आपको देख रहे हैं, यहाँ पे हल चला रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ ये जो भैंसा है वो यहीं पर रहता है और इसके लिए जौ बोएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे राकेश टिकैत जी जौ बोने वाले हैं, ये भैंसा इस प्रोटेस्ट में ही रहता है और सारी प्रोटेस्ट का हिस्सा है और इसके खाने पीने के लिए जौ बोएंगे राकेश टिकैत जो यूनियन लीडर है, यूनियन प्रवक्ता है।
बिना कहे और आप देख अपने हाथों से बोएंगे, अपने हाथों से काटेंगे और किसी की जरूरत नहीं है, कोई बाहर से किसी का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, अपने हाथों से करेंगे। तो क्या बोएंगे यहाँ से आप? अरे ज्यादा दूर तक मत फैलाओ। राकेश टिकैत इसी मिट्टी पर हल जोतते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, जो हल है वो राकेश टिकैत जी ने पकड़ा हुआ है, जो झोटा जिसको गांव में कहते हैं वो आगे आगे बंधा हुआ है। और ये फिसोली गांव नहीं है, ये यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है, यानी कि दिल्ली की वो सीमा जहां पर अब से कुछ दिन पहले किसानों द्वारा मट्टी यहां पर मंगाई गई थी। बात कर रहे हैं राकेश जी, फल जो है क्या कुछ कहेंगे? और अभी आपने यहां पर क्यारी भी बनाई है, हालांकि फिसोली गांव नहीं है ये। चौकी खेती आप कर रहे हैं, तकरीबन आंदोलन को भी 82-83 दिन हो गए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दिमिथिला, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।